नमस्ते किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है लर्न इंडिया विद पीके चैनल में। और मैं हूं आपका अपना दोस्त पुष्पेंद्र कुमार। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेनफोर्स पंजाब एग्रो का P990 बैक टोकरी मल्टी क्रॉप थ्रेसर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस थ्रेसर से आज गेहूं की थ्रेसिंग हो रही है। और इस मशीन में एक साइड में एलिवेटर दिया गया है। इस एलिवेटर से आप जो अनाज है या दाना है उसको सीधा ट्रॉली में भर सकते हैं और उसको कट्टे या बैग में भी भर सकते हैं। और ये एकदम साफ़ सुथरा क्लीन गेहूं निकाल रही है। इसको आप सीधा मंडी में तुला सकते हैं और एक अच्छा भाव ले सकते हैं। यदि कोई भी किसान भाई इस रेनफोर्स के P990 थ्रेसर को नीमच में ख़रीदना चाहता है तो वो मालवीय ट्रैक्टर टैगोर मार्क नीमच से ख़रीद सकता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये इसका बैक टोकरी है। इसमें आपको एक या दो लेवर सफिशेंट है। आप इस थ्रेसर में लेवर की काफ़ी बचत होती है। और ये इसका एग्जॉस्ट पाइप है जिससे भूसा निकल रहा है। इस तरह ये काफ़ी बारीक भूसा निकालती है जो कि पशुओं के लिए काफ़ी अच्छा है। और इस तरह आप इस रेनफोर्स थ्रेसर से अपने गेहूं की फसल की अच्छी गाही कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये इसकी बैक टोकरी है जिसका साइज लगभग 5.5 फुट का दिया गया है। और ये इसका ये रिटर्न पाइप है जिससे यदि कोई भी दाना अनक्लीन रह जाता है तो वो रिटर्न पाइप से फिर से बैक टोकरी में आ जाता है और एक बार थ्रेसर में फिर से रीथ्रेसिंग हो जाती है। इससे किसान भाइयों के लिए एकदम क्लीन साफ़ सुथरा गेहूं मिलता है। और इस थ्रेसर को जो चलाने के लिए ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है वो लगभग 35 HP से प्लस आप इस पर कोई सा भी ट्रैक्टर लगा सकते हैं। यदि इस थ्रेसर से फसल की थ्रेसिंग के बारे में बात करें तो इस थ्रेसर से आप गेहूं, सरसों, बाजरा, ज्वार, जौ, अरहर, चना, सोयाबीन, मूंग, मटर, जीरा, धनिया, सौंफ इस तरह की फसलों की गाही कर सकते हैं। यदि कोई भी किसान भाई रेनफोर्स थ्रेसर से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहता है या इसको ख़रीदना चाहता है या इसकी डीलरशिप लेना चाहता है तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकता है। किसान भाइयों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।